मेरी एक्साइटमेंट बहुत ही नेचुरल है क्योंकि मौका बहुत खास है। आज इस फ्रेंडशिप डे के बहाने में एक बहुत ही खास बात आप लोग साथ शेयर करना चाहती हूँ फॉर माय बेस्ट फ्रेंड जानिशी। ड्रामेबाज, इडियट और चोर। ड्रामेबाज इसलिए क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हर प्लान लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई ड्रामा करके डिच करवा देती थी और इसकी सेकेंड नेचर है। इडियट इसलिए क्योंकि हर दफा मॉल्स में रेस्टोरेंट में ओवर इमोशनल होके ओवर स्पेंड कर देती थी और फिर बैठ के रोती थी और मैं ही चुप करवाती थी। और चोर इसलिए क्योंकि मेरी यादों का सबसे खास और कीमती खजाना इसने चुरा रखा है। मैं एक एक्टर हूँ और इस तरह ग्रेटिट्यूड शो करने का मौका हमें यूजुअली अवार्ड सेरेमनीज पे मिलता है, लेकिन आज की ये थैंक यू स्पीच स्पेशली जानिशीन तुम्हारे लिए। सो आई वुड लाइक टू थैंक अल्लाह जिसने हमें एक टाइम पीरियड में पैदा किया, एंड टू आवर मॉम्स जिन्होंने हमें सेम स्कूल में भेजा। दोस्ती तो हमारी पहले दिन ही हो गई थी, साथ में पढ़ाई, बास्केटबॉल, मार्शल आर्ट्स। मेरे और बहुत अच्छे दोस्त थे जो कि सब अपना लंच एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, और ये वाहिद थी जो मुझसे मेरा लंच छीन के खा लेती थी। मेरे हर जोक पे हा 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 बहुत हंसी आई कह के मेरी बेइज्जती कर देती थी। वक्त गुजरता चला गया लेकिन पता नहीं चला कि कब ये इतनी खास हो गई। एक वाहिद दोस्त है जो कि बहुत अच्छी तरह से जानती है कि यमुना सब लोगों के सामने बहुत फोकस्ड है और सुलझी हुई है, लेकिन असल में यमुना कितनी बड़ी गूफ है। जिंदगी में और भी बहुत से दोस्त बने और लोग आए, लेकिन जो यादों की मिठास मैंने इसके साथ शेयर की वो कोई और नहीं कर सका। अपने अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए हम लोग की डायरेक्शंस तो डिफरेंट हो गई, लेकिन बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग रहा। चाहे मेरा पहला ड्रामा ऑन एयर होना हो या मुझे अवार्ड मिलना हो, यू वर ऑलवेज देयर। और आज तो मैं तुम्हें ड्रामेबाज भी नहीं कह सकती क्योंकि आज तुमने डिच नहीं करवाया। थैंक यू फॉर बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय फैमिली। तुम इन दोनों का एक ऐसा मिक्सचर हो जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। थैंक यू फॉर बीइंग माय फैमिली। और आज से मेरे बायो में जानिशीन का नाम होगा एज माय फैमिली।